दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? तुम सच में कुछ नहीं जानते। फिल्म की स्क्रिप्ट में सुनील शेट्टी करेंगे कुछ बदलाव। क्या घनी मूवी को सुधार पाएगी बलवान 2? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं मधुलिका, आपकी होस्ट और दोस्त, एक बार फिर हाजिर हूँ। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर्स में से शामिल हैं जो कि अपनी एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ के लिए बहुत फेमस हैं। दरअसल अगर हम बात करें बलवान मूवी की, तो इस मूवी का नाम आते ही सबसे पहले सुनील शेट्टी का नाम सामने आ जाता है, और इसी मूवी के कारण उन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवीज़ के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं इस मूवी के सेकंड सीक्वल की। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि गॉड सर सुनील शेट्टी आजकल फादर या फिर सीनियर सिटीजन्स के रोल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो देखना ये होगा कि बलवान 2 के अंदर कैसी कहानी देखने को मिलती है। आखिर किस किरदार में नजर आते हैं हम सब के चहेते सुनील शेट्टी, और ऑडियंस बेहद एक्साइटेड है उन्हें बड़े पर्दों पर एक बार फिर से देखने के लिए। अब हम आपको बता देते हैं कि बलवान 2 की कहानी एक एक्शन थ्रिलर स्पोर्ट्स मूवी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मूवी स्पोर्ट्स से जुड़ी होगी। हम ये बात तो जानते हैं कि सुनील शेट्टी पहले भी कई स्पोर्ट्स मूवी कर चुके हैं, जैसे कि दमदार और घनी। जी हाँ दोस्तों, बलवान 2 भी स्पोर्ट्स मूवी होने जा रही है, और स्पोर्ट्स से मेरा मतलब बॉक्सिंग भी है। अब आप सब यही सोचेंगे कि बॉक्सिंग पर उनकी मूवी तो फ्लॉप हो गई थी, तो फिर किस लिए फिर से बॉक्सिंग के जॉनर पर बनने जा रही है मूवी? तो हम आपको बता देते हैं कि 2022 के अप्रैल में रिलीज हुई मूवी घनी फ्लॉप हो गई थी। फिल्म का प्लॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन फिल्म थोड़ी सी ट्विस्ट की कमी की वजह से बोरिंग दिखाई दे रही थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था किरण कोरापति द्वारा, और फिल्म में नजर आए थे वरुण तेज, सय मंजरेकर और सुनील शेट्टी जैसे कमाल के कैरेक्टर्स। लेकिन अब हम आपको बता दें कि फिल्म में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की कमी होने के कारण फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। तो फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा था कि वरुण तेज, जो कि बेटे होते हैं एक बिगड़े हुए बॉक्सर यानी कि सुनील शेट्टी के, और उनकी माँ के खिलाफ जाकर वो खुद को इंसाफ दिलाते हैं, और इसी पूरी कहानी को दिखाया गया है घनी की कहानी में। तो बात करते हैं बलवान 2 की। जी हाँ दोस्तों, बलवान 2 की कहानी भी घनी की कहानी को ही आगे बढ़ाने वाली है, और इस कहानी के अंदर नजर आने वाले हैं वरुण तेज के बेटे। जी हाँ दोस्तों, वरुण तेज के बेटे एक ऐसा इंसान होता है जो कि बॉक्सिंग से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन उसकी रगों में भी उसके दादा और पिता का ही खून दौड़ता है, और इसीलिए मुश्किल समय में वो किसी भी तरीके से बॉक्सिंग करके खुद का फायदा कर लेते हैं। और ऐसी ही कहानी देखने को मिलेगी हमें इस बार घनी 2 यानी कि बलवान 2 के अंदर, जो कि घनी की कहानी को ही आगे बढ़ा रही है। अब हम आपको बता देते हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं सुनील शेट्टी द्वारा, क्योंकि अगर वे चाहते हैं कि उन्हें फिल्म को हिट करना है तो स्क्रिप्ट में चेंजेस करना जरूरी है। और कैसी होगी ये कहानी, आप कितने एक्साइटेड हैं? आप कितने एक्साइटेड हैं वरुण की एक्टिंग देखने के लिए? क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि वरुण तेज ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था इस फिल्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी बॉक्सिंग की सुनील शेट्टी से, और वरुण तेज के ट्रांसफॉर्मेशन से इम्प्रेस हुए थे सुनील शेट्टी, और तभी से उन्होंने सोचा था कि इसका पार्ट 2 ज़रूर आना चाहिए, और पार्ट 2 बहुत ही जल्द बड़े पर्दों पर आने वाला है। आपको क्या लगता है कैसी होगी वरुण की एक्टिंग इस बार? कैसी होगी हमारे सुनील शेट्टी सर की एक्टिंग? आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जाने से पहले बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।